नमस्कार, मैं डॉक्टर रत्नेश, BNS होम्योपैथी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सियाटिका की सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाओं में से एक अमोनियम म्यूर और इसके डोज और उपयोग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बैठने पर सियाटिक पेन बदतर होता है और लेटने पर बेहतर होता है, तो इस तरह के सियाटिक पेन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन अमोनियम म्यूर सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाओं में से एक है। जांघ के पिछले भाग और पिछली क्षेत्र में संकुचन और दबाव का अनुभव होता है। दर्द की प्रकृति शूटिंग और फाड़ने वाली होती है। पैर की उंगलियों में दर्द होता है। सामान्यतया मरीज को खुली हवा में बेहतर महसूस होता है। इस दवा का मांसपेशियों, पुट्ठों तथा जोड़ों में खिंचाव और दर्द की अनुभूति पर विशेष प्रभाव होता है। इस लक्षण में गठिया तथा पुरानी मिचकोड़ के दर्द आदि में भी यह दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। मरीज को पुट्ठों में, मांसपेशियों में और जोड़ों में एक प्रकार का तनाव का अनुभव होता है। जब मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उनमें कार्य करने की असमर्थता का अनुभव हो, तब इस दवा का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। सियाटिका में इसका विशेष लक्षण यह है कि मरीज बैठी हालत में कष्ट में होता है। जब चलता है तब कष्ट में कुछ कमी आ जाती है। जब लेट जाता है तब कष्ट चला जाता है, नहीं रहता। बाएं भाग में लगातार दर्द बना रहता है। सामान्य रूप से इस दवा की 30 पोटेंसी अमोनियम म्यूर 30 दिन में 3 बार स्थिति और आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से सियाटिका के उपरोक्त लक्षणों इन निर्दिष्ट लक्षणों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।